ठंड लगी यार, क्योंकि मेरे पास दो ही कंबल थे, एक मैंने भाई को दे दिया, एक मेरे पास रहा। क्योंकि यार भाई कंबल वम्बल या स्लीपिंग बैग कुछ नहीं लाया यार। अब हो रहा है, सही बताऊं अब हो रहा है दिमाग खराब। कोई ना कोई जानवर आया था, दिखाऊं पैर के निशान कहां गए, ये देखो गजी भाई। जय माता दी, जय हो, जय भोलेनाथ। तेरे दरबार में ऐसे में भाई खाना मिल रहा है। दारचा पहुंच चुके हैं और ये है भाई लद्दाख का सबसे बड़ा ब्रिज, ये देखो भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो भाई आप सभी, आप सभी ठीक होंगे। और भाई मॉर्निंग हो चुकी है और भाई कितनी देर धूप निकल लिया, धूप बहुत कैडी निकल लिया। और भाई रात गया था -2 डिग्री और रात तो काफ़ी ठंड लगी यार, क्योंकि मेरे पास दो ही कंबल थे, एक मैंने भाई को दे दिया, एक मेरे पास रहा। क्योंकि यार भाई कंबल वम्बल या स्लीपिंग बैग कुछ नहीं लाया यार। अब हो रहा है, सही बताऊँ अब हो रहा है दिमाग खराब कि कैसे होगा यार आगे की जर्नी कैसे होगी। क्योंकि भाई जब -2 में 1 में 2 में ही हमारी यह हालत है, एक एक कमल में, दो कमल में मेरी लास्ट टाइम भी काफ़ी हालत खराब थी और 6 डिग्री 7 डिग्री था, वहाँ पे दो कमल चले थे। तो आगे तो भाई ज़्यादा होने वाला है, तो देखते यार क्या होता है। कह रहा देखते भाई जुगाड़ करता हूँ, तो जुगाड़ क्या होगा यार, भाई साहब हालत खराब है यार। मैं बीच में इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकता कि भाई मैं जा रहा हूँ तू रहने दे, कमल नहीं है तेरे पास, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन यार इतने पैसे लगा के भी मैं आया हूँ और छोड़ के भी जाऊँ यार, क्या करूँ, दिमाग ख़राब है। सुबह सुबह रात दिमाग ख़राब हो गया जब इसने बताया कमल नहीं है, स्लीपिंग बैग नहीं है, कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, देखते हैं जो होगा, जो भी होता है यार अच्छा होता है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, देखेंगे अपना। सनराइज हो चुका है और अभी जो टाइम हो रहा है ना गाइस, सुबह के 6:15 हो रहे हैं और 6 यहाँ पर देखो क्या धूप, अल्टीमेट बेहतरीन निकल लिया यार, मज़ा आ जाता है। इसलिए मैं सुबह सुबह की वाइब्स को यार पता है छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मेरी याद है सुबह सुबह 6 बजे उठने की है। क्योंकि सुबह सुबह का जो व्यू होता है ना उसको मिस नहीं करना चाहिए यार, सुबह का व्यू तो भाई साहब आँखों को मतलब जो सुकून प्रदान करता है ना यार, मज़ा आ जाता है यार। चलो जी, और देखो भाई तो अपनी ठंड काफ़ी है, तो अभी थोड़ा अंदर ही चलते हैं टेंट के अंदर, आप लोगों को व्यू दिखाना था, ये चीज सीन दिखाना था बढ़िया तरीके से, तो इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा था। और बाकी एक चीज़ और गाइस, रात भाई लेपर्ड आया था यहीं पास में घूम के गया है और आवाज़ भी आई थी, और भाई रात हिरन को उठा के लेके गया है, आवाज़ आई थी क्लियर साफ आवाज़ आ रही थी, हिरन को लेके गया है। और यहाँ पे भी कोई ना कोई जानवर आया था, दिखाऊं पैर के निशान कहाँ गए, ये देखो गड्ढे वाले, देखो ये देखो ये गड्ढे वाले निशान है, ये देखो ये एक ये रहा और ये देखो गड्ढे का निशान है, कुछ तो आया था यहाँ पे जानवर। और ये देखो कोई तो जानवर दूसरा भी आया था यहाँ पे, और थोड़ा बाहर से मैं पैर देखता हूँ इसके यार अगर दिखते हैं तो, यहाँ पे तो हमारे पैर की वजह से थोड़ा मिक्स हो रहा ना,
चलो देखता हूँ यार, तो दिखाई नहीं दे रहा यार, क्यों? क्योंकि यार, क्योंकि यहाँ पूरे उसमें जो ना पैरों के निशान कुछ ज़्यादा ही है, हमारे भी है, और उसकी वजह से ज़्यादा मिक्सअप पूरा हो चुका है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। लेकिन रात कोई ना कोई जानवर तो यहाँ पे आया था हमारे टेंट के आसपास में, चाहे वो बारह सिंह बकरी मतलब हिरन हो सकता है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसे, और कोई भी कोई जानवर हो सकता है जो शायद कुछ महक से खाने की महक से आया होगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यार बाद में मिलते हैं यार, फिर अपने कॉफ़ी वॉफ़ी बनाएंगे यार, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं यार, अब ये उठ जाए फिर कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं। गाइस धूप बहुत कड़ी हो गई है यार, मैंने तो जैकेट उतार दिया और भाई भी उठ चुका है और जो बर्तन थे उन्हें धो लेते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास उतना ही था कमी, तो बर्तन धो जाएंगे ये और भाई अपनी चाय कॉफ़ी जो भी है वो बनाते हैं यार। चलो जी चालू करते हैं, एक मिनट। तो गाइस ये देखो गैस को ऑन करते, ये तो चल नहीं रहा लेकिन लाइटर से जलाना पड़ेगा। ये देखो तो गाइस अपनी कॉफी बनी है भाई और हवा चलने लगी है, और इन नज़ारों के साथ में अपनी कॉफी पियेंगे यार। तो गाइस अपनी कॉफी रेडी और खा लेते हैं यार। भाई के लिए कॉफी और ये है अपने लिए भाई, और ये व्यू हो जाए और भाई कॉफी हो जाए, क्या ही कहने भाई। चलो भाई पियो, मजा आ गया यार। कैसा लग रहा है? बढ़िया जी, मजा आ गया। सुबह सुबह कॉफी मिल जाए ना, सारा शरीर दर्द या कमर दर्द जो भी है ना, बुधवार को दूध वाली चाय ना मिले, सिंपल मिल जाए, चाय काली मिल जाए, भूख कैसी मिल जाए, पूरा दिन मजे आ जाए। सही बात मिल जाता, सही बात है यार, सुबह कॉफी चाय मिल जाए ना तो बस सर दर्द सब कुछ जो होता है ना, हैंगओवर सब उतर जाता है, अच्छा रहता है। सुबह सुबह ऊपर वाले का नाम ले लो, जय भोलेनाथ। ये देखिए हमने आटा लगा लिया भाई, और इधर अपनी लोई बना दी है बढ़िया से, और बर्तन वर्तन सब धो दिया, और बनाते यार दोबारा क्या, पराठे रोटी, रोटी सही थी, रोटी सही रहेगी ना, एक नंबर। तो गाइस रोटी बनाते हैं, रात भी हमने रोटी बनाई थी और अब भी रोटी बनाएंगे यार, क्योंकि यार बाहर निकले पीछे जितना नॉर्मल खाना खाओगे ना उतना बेस्ट है। और सामने देखो गाइस ये भाई यहाँ पे गाय बकरी ये सब चरने के लिए आ चुकी है, और क्या व्यू आ रहा है यार, देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है, और ये वाला देखो भाई क्या बात है। चलो जी रोटी अपनी रेडी, और जो हमने रात सब्जी बनाई थी भाई उसको गर्म कर लेते हैं, अपनी अंडा करी और फिर खाते हैं यार। खाना रेडी भाई, और बढ़िया से रोटी बन चुकी है, और अब डाल लेते हैं यार अपना खाना पीना बढ़िया से जी, और यहाँ से खाते हैं और फिर निकलेंगे आगे की साइड। रोटी भाई जय माता दी, जय हो, जय भोलेनाथ, तेरे दरबार में ऐसे में भाई खाना मिल रहा है। अल्टीमेट ऐसा कर, इसका मजा और बढ़ गया स्वाद। कप हो चुका है भाई, और ये देखो खाना पीना करके और भाई अपना टेंट क्लोज कर दिया यहाँ से, और निकलते यार आगे की साइड। चले भाई, चलो जी, तो चलो जी, और एक बार नज़ारा देख लो यार, बहुत प्यारा नज़ारा था, और यहाँ पे कैंपिंग करके यार रियली में बहुत मजा आ गया। अगर कोई भाई यहाँ पे कैंपिंग करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम कर सकता है, यंगला स्नो पॉइंट डाल देना, आपको लोकेशन यहीं पर लेके आ जाएगी। बट थोड़ा सा
यहाँ खतरा है भालू का, ब्लैक भालू भी है और भाई व्हाइट भालू भी है बियर, तो बस उससे सेफ्टी बरतनी है। बॉनफायर कर लेना, लकड़िया बाकायदा हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, तो चलते यार आगे। तो फाइनल गाइस यहाँ से निकल चुके हैं भाई, और भाई रेती देखो गाड़ी ऐसे स्लिप हो रही है ना बहुत ज्यादा। ओहो चलो जी निकल आगे। ये है भाई आपका व्यू स्नो पॉइंट, यंगला स्नो पॉइंट आपका, जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो भाई। चलो जी मोड़ते हैं गाड़ी। ये कुछ यहाँ का ऑफ रोड और रेती वाला एरिया है पूरा, यहाँ से रेती निकाली जाती है। चलो जी तो गाइस यहाँ से है टांडी, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर, और सामने का व्यू देखो यार। और गाइस जहाँ का हमारी कैंपिंग लोकेशन थी उसको हम छोड़ चुके हैं, अब आ चुके हैं पक्के रोड पर। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का वो ऑफ रोड था, और मजा आता है यार ऑफ रोड पे जब गाड़ी चलती है ना हाइट पे तो मजा भी आता है। तो मजे आगे दिलाएंगे यार, लद्दाख साइड निकल रहे हैं, न्यू रोड पे निकल रहे हैं, जो आपका लद्दाख का नया रोड ओपन हुआ है ना वहाँ के लिए निकल रहे हैं यार। तो ये कुछ व्यू है यार, देखो क्या बात है भाई साहब। गाइस अब तक जो रोड थे वो अच्छे थे, और अब आ चुके भाई डेंजरस रोड, पहाड़ों के साइड के रोड। ये देखो भाई कितने खतरनाक रोड है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा खतरनाक रोड आते जाएंगे, और भाई उतनी ही ज्यादा ठंड बढ़ती चली जाएगी। और हमने अभी भाई ये एरिया है सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का, देखो भाई यहाँ के पहाड़ पत्थर कैसे, भाई सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है इस एरिया में, पूरा ही मिट्टी वाला पहाड़ है, मतलब बिल्कुल पतली वाली रोड जो होती है ना उसका पहाड़ है ये, सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है इस एरिया में। तो गाइस पेट्रोल पंप आ चुका है, और पेट्रोल डला लेते क्योंकि आगे भी एक पेट्रोल पंप पड़ता है, क्या वहां पे मिले ना मिले बट डला लेते, ज्यादा नहीं है 30-35 किलोमीटर का फर्क है शायद, तो यहाँ पे डलाते आराम से। ये देखिए सामने आपका टांडी ब्रिज पड़ता है, और चलते यार आगे की साइड। टांडी हमने कर दिया है ब्रिज क्रॉस, सामने पीछे साइड थोड़ी छोटी सी मार्केट भी है टांडी की, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हो भाई। चलो जी आगे चलते हैं यहाँ। केलोंग यहाँ से स्टार्ट होता है केलोंग, जस्ट थोड़ा सा आगे चल के और जस्ट बराबर में अपनी गाड़ी खड़ी है, और हमने लगाया गाइस यहाँ पे अपने पावर बैंक, देखो चार्ज पे ये लग रहा अपना रेड वाला पावर बैंक यहाँ पे चार्ज पे, और भाई ने लगाया इस वाली शॉप पे चार्ज पे। तो दोनों भाई ने अपने अपने पावर बैंक चार्ज पे लगाया क्योंकि हमारा आज इष्ट होगा जिसपा, और जिसपा के पास देखेंगे जहाँ पे भी। ये है भाई लास्ट पेट्रोल पंप, यहाँ पे आप फील करा सकते हो, उसके बाद आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ले में या फिर पदुम में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो गाइस ये देखे भाई केलोंग आ चुका है, और कितना ब्यूटीफुल शहर है यार, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखो भाई केलोंग लिखा भी पड़ा है राइट में, देखो केलोंग 115 किलोमीटर, और सामने देखो भाई स्नो पीक्स कितना बेहतरीन लग रहा है यार, पूरा स्नो पीक से घिरा हुआ है यार केलोंग, देख रहे हो, और कितना टॉप पीक है यार स्नो से भरा हुआ, भाई साहब ओ माय गॉड क्या बात है भाई साहब। तो भाई लोकेशन ढूंढेंगे यार कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि जिसपा में जल्दी से लोकेशन मिलती नहीं है यार कैंपिंग, क्योंकि वहां पे लोग बाग यार कैंपिंग, क्योंकि वहां पे कैंपिंग होती है ना कैंपिंग साइट से, तो वहां पे इसलिए कैंपिंग लगाने नहीं देते, अलाउ नहीं है। तो ट्राई करेंगे आज लोकेशन ढूंढेंगे बढ़िया सी, और वहीं पर अपनी कैंपिंग क्लिक करेंगे यार। केलोंग के बाद में जिसपा आया 24 किलोमीटर, वो भी हमने पार कर दिया है, और हमारा आज का जो एम है ये है कि दर्चा के आसपास हम अपनी कैंप करेंगे ताकि हम सुबह जल्दी निकल सके। और जो यहाँ का व्यू है ना भाई अल्टीमेट, ये देखो गाइस लेफ्ट में ग्रीन एरिया और राइट में देखो भाई पूरा बंजर पहाड़ और ऊपर स्नो पीक्स, देख रहे हो
लगभग। और यहाँ से सरचू देखेगा इस यारा, सरचू है 82 किलोमीटर। वाह, दारचा पहुंच चुके हैं और ये है भाई लद्दाख का सबसे बड़ा ब्रिज, ये देखो भाई। इट्स वेरी वेरी लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ लद्दाख। तो गाइस ये देखे सामने हमने, ये ब्रिज था दारचा का सबसे लॉन्गेस्ट लद्दाख का ब्रिज, ये लिखा यू हैव टू जस्ट विजिट दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, देख रहे हो। चलो जी, और ये कुछ यहाँ का व्यू। तो फाइनली दारचा पहुँच चुके हैं और बस लोकेशन देखनी है कहाँ पे हम अपनी कैंप करेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलो जी, यहाँ पे कर सकते हैं हम, इधर करेंगे हम, यहाँ रूट है इधर रास्ता, देखते हैं। और ये कुछ रिवर साइड भाई साहब, ओए होए क्या बात है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे अगली कैंपिंग वीडियो में। आज की कैंपिंग हमारी यहीं दर्चा होगी और फिर कल सुबह निकलेंगे भाई सिंकुला टॉप और आपका गुम्बो रंजक जंस्कार के लिए। तो भाई ब्लॉग्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे और कैंपिंग वीडियोस आ रही है, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।